द मोस्ट फेमस सिंगर हुमैरा अरशद के घर इकबाल टोन उनका इंटरव्यू करने गए। हुमैरा अरशद ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। हुमैरा अरशद ने अपने मकबूल गीत भी सुनाए। थानेदार दिता हाथ मैं क्या चल पीछे हट बुरा ना मनोड़ लोक मेरी गल दा मेरे ते नी हुण मेरा जोर चलदा हो बस वे ढोला तू अखियां ते कोल को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजुद्दीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ लॉलीवुड की मोस्ट फेमस सिंगर हुमैरा अरशद मौजूद हैं। इनसे होगी चटपटी बातें और इनके लाइफस्टाइल के हवाले से भी हम इनसे पूछेंगे। जी मैडम, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, अब बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है आज का? बस काम वगैरह ही हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि मैडम नूरजहां आपकी आइडियल थी? जी, अभी भी आइडियल है। आइडियल हैं जी। तो इसके अलावा आपकी रियल लाइफ में ओ फैमिली में और दोस्तों में कौन आइडियल है? उनके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैं सुनती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। उनकी कवालियाँ, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। उनके साथ आपको परफॉर्म करने का भी मौका मिला? हाँ, तो कैसे वो इंसान थे? बहुत ही अच्छे इंसान थे। जितने वो अजीम सिंगर थे उतने ही अजीम वो इंसान भी थे। अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को नहीं नवाजता जब तक कि उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि कोक स्टूडियो में आयमा के साथ और दीगर सिंगर्स के साथ भी आपको परफॉर्म करने का मौका मिला, तो कैसा तजर्बा रहा कोक स्टूडियो का? कोक स्टूडियो का तजर्बा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया वहाँ काम करके। एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, लोगों की विश है, क्योंकि कोक स्टूडियो ने एक ऐसा ड्रीम सा बना दिया हमारे सिंगर्स के अंदर कि अब लोगों में भी यही है कि जो कोक स्टूडियो में परफॉर्म करेगा उसी की ही लोग समझते हैं कि जय जयकार है। तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम नवाजी की, मैंने दो सीज़न में परफॉर्म किया उनके, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा तजर्बा रहा और गाने भी बहुत अच्छे जो है वो लोगों ने पसंद। अच्छा, ये बताएं कि बचपन कैसा गुजरा, शरारती थी, कैसे शौक सिंगिंग का पैदा हुआ? मैं बहुत ही शरारती थी और सिंगिंग का शौक़ इस तरह हुआ कि मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं, मिलाद पढ़ती हैं, उनके साथ मैं सोज़ गानी किया करती थी। तो वही लोग कहा करते थे कि जी इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, बेटा आप गाने भी गाओ ये। तो बस मैंने वो अपने स्कूल की तरफ से मैंने जो है वो तब मैं पढ़ा करती थी और उसी में ही मैं अम्मी के साथ नात पढ़ने के लिए पीटीवी पे गई। वहाँ पे फारूक बशीर साहब ने मुझसे गाना गवाया सदा हूँ अपने प्यार की, और वो माशाल्लाह हिट हो गया। तो बस ऐसे मेरे करियर का आवाज़ हो। कितने बहन भाई हैं आप? आपके व्यूवर्स देखना चाहते हैं। मेरे माशाल्लाह 9 बहन भाई। तो कोई और इसके अलावा इस शोबे में कौन कौन? वैसे तो समझ लें कि सारे ही इसी शोबे में हैं और माशाल्लाह तकरीबन मेरे सारे भाई भी मेरे साथ ही होते हैं और हम लोग बड़ा एक फ्रेंडली सा हमने माहौल रखा हुआ है, तो वो भी माशाल्लाह मेरे साथ ही परफॉर्म करते हैं, अलग भी परफॉर्म करते हैं। बस गुस्सा आता है मुझे बहुत कम। उदास होती हैं तो क्या करती? उदास होती हूँ तो क्या करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और हमारी जो सबसे बड़ी जो किताब है कुरान पाक उसकी तफसीर पढ़ती हूँ, और उसके साथ साथ जैसे यही मज़हबी किताबें हैं उससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि वो आपको ज़िंदगी जीने का, रहने का और आपकी मायूसी का, खुशी का, हर एक चीज़ों का हल जो है ना वो उन किताबों में है, तो मैं वो पढ़ती हूँ। शाहाना ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं कि सादगी? दोनों, कभी कभी शहाना और कभी कभी जो है सादगी। शहाना ज़िंदगी में, सादगी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। सादगी जो है वो मेरे अंदर है और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की करम नवाजी से शहाना है। आप समझती हैं कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के बाद आजकल म्यूज़िक इंडस्ट्री के भी हालात बहुत ख़राब हैं जी। तो ज़रिया माश, ज़रिया आमदन कैसे चलता है घर का खर्चा? देखिए, शोज़ वोज़ ही हैं जिस पर मैं करती हूँ और मैं बिल्कुल फजूल खर्च नहीं हूँ और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरे काम से ही मेरा जो घर है वो चलता है। प्रॉपर्टी का भी आप काम करती थी तो वो क्या आजकल कर रही हैं कि छोड़ दिया, ब्रेक नहीं? नहीं, प्रॉपर्टी का काम जो है वो कर रही हूँ, लेकिन आजकल आपको पता है बहुत अरसे से एक स्लम्प आया हुआ है प्रॉपर्टी में भी और आजकल बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियली हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं। तो कर रही हूँ, वो भी अल्लाह का शुक्र है चल रहा है साथ साथ, लेकिन बहुत कम है अब, उस तरह नहीं है। म्यूज़िक एल्बम्स का रिवाज तो अब ख़त्म हो गया, गाने जो हैं वो ही सिंगल्स बना रहे हैं, तो आप बड़ा अरसा हो गया कोई गाना आपका नया नहीं आ रहा, क्या वजह? नहीं, मैंने गाने तो बहुत से गाए हैं लेकिन उस तरह वो हिट नहीं हुए जिस तरह पीछे
वो ये नहीं है कि मैंने नई गाने बनाए। आप देखिए अभी भी मेरा गाना नाके तोड़ के आए, मेरा नखरा कमाल, उससे पहले कल्ला रोएंगा का वीडियो रिलीज़ हुआ, उससे पहले हल्ला गुल्ला का वीडियो रिलीज़ हुआ, लेकिन उस तरह जो मेरे पिछले गाने सुपरहिट है, अब ये भी सुपरहिट है, लेकिन अब क्योंकि वो उस तरह पब्लिसिटी नहीं रही जिस तरह पहले हम लोग करते थे और गाने सुपर डुपर हिट होते थे। आजकल अगर हिट भी हो जाए तो एक हफ्ता को वो हिट रहते हैं और उसके बाद जो है वो फिनिश हो जाते हैं। तो बस यही है। कुकिंग का शौक है? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। क्या बनाते हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। क्या सबसे अच्छी डिश? पुलाव, मतलब जो भी हमारी एक ट्रेडिशनल डिशेज हैं वो मैं सब बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग का। आतिफ असलम अच्छा सिंगर है या अली जफर अच्छा सिंगर है? देखिए मेरी नज़र में तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आतिफ असलम भी अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, अच्छा गाता है तो अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, और अली ज़फ़र भी हमारे मुल्क का सरमाया है माशाल्लाह, इस टाइम वो हमारे मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, मुझे दोनों बहुत पसंद है। हमारे जी ये बताएं कि आपको ईस्टर्न मलबूसात पसंद है या वेस्टर्न पसंद है, और कौन सा कलर आपका फेवरेट है? मुझे ईस्टर्न भी पसंद है, मुझे वेस्टर्न भी पसंद है, क्योंकि मुझे शोज़ में ईस्टर्न भी पहनने पड़ते हैं, वेस्टर्न भी पहनने पड़ते हैं। अब ये नहीं है कि आप ऐसे शोज़ में गए हैं जहाँ पे ईस्टर्न ड्रेस की डिमांड नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न ड्रेस जो है वो कुछ और उनकी वो है और वेस्टर्न ड्रेसेस जो हैं वो उनका कुछ और है। अब ये नहीं है कि आप एक कंपनी के शो पे जा रहे हैं और वहाँ लहंगा पहन के चले जाएं आप, या वहाँ पे एक ब्राइडल बन के आप चले जाएं। हर शो की, हर रिकॉर्डिंग की या हर चीज़ की एक अपनी डिमांड्स हैं। तो मैं वेस्टर्न भी, मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, और ईस्टर्न भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा कलर अच्छे। कलर कौन सा ज़्यादा? मुझे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। अच्छा ये बताएं कि शॉपिंग पाकिस्तान से करती हैं कि दुबई लंदन से करती हैं? दोनों जगह से। दोनों जगह? हाँ, कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से नहीं भी मिलती, तो मोस्टली तो यहाँ से मिल जाती हैं, तो मोस्टली तो मैं यहीं से ही करती हूँ। और बाहर से भी जैसे कुछ मेकअप की चीज़ें मंगवानी हो या कुछ और कोई ऐसी चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स के मुतालिक या ड्रेसेस के मुतालिक, तो मंगवा लेती हूँ। अच्छा ये बताएं कि परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करें? परफ्यूम का मुझे बहुत शौक है, और तकरीबन हर ब्रांड का और हर जो है परफ्यूम तकरीबन मैंने यूज़ किया है तकरीबन। मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू हो रहा हो और आपके व्यूअर्स गाना ना सुने, ये तो ये भी ज़्यादती है, तो अपने व्यूअर्स के लिए कोई खूबसूरत अपना। बिल्कुल, मैं गाना सुनाती हूँ, अभी लोग मेरा गाना जो है वो पसंद कर रहे हैं, वो गाना मैं आपको सुनाती हूँ। दित्ती गड्डी नू मैं रेस किते लाई ना ब्रेक, किते हो ना जावा लेट होया टाइम, थानेदार दिता हाथ मैं क्या चल पीछे हट, तू चलान मेरा कट जो कराए में, पुलिस दे डाले हूटर वाले पीछे छोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, ओ असीना के तोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, असीना के तोड़ के आए। मेरे ये बताएं कि दुनिया के कौन कौन से मुल्क में आपने परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे है? देखिए मैंने तो बहुत सारे मुल्कों में परफॉर्म किया है, मुझे हमेशा अब्रॉड जाके परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपनी कंट्री में तो परफॉर्म करते ही रहते हैं, यहाँ के तो आपके फ़ैन्स हैं ही हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ लोग जो हैं माशाल्लाह बहुत अपने आर्टिस्टों से प्यार करते हैं, और वहाँ जाके परफॉर्म करना कुछ एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। अच्छा ये बताएं कि आजकल इंडियन पंजाबी मूवीज़ जो है बड़ी हिट हैं, तो ऑफ़र आई आपको यहाँ से पंजाब से इंडिया? इंडिया पंजाब से मुझे मूवी की तो ऑफ़र नहीं आई, मुझे गाने की ज़रूरत। गाने की? हाँ, गाने की तो मुझे ऑफ़र आई है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह करूँगी भी मैं। अच्छा जाते जाते मैं चाहता हूँ कि अपना कोई मशहूर जो सॉन्ग है वो भी अपने व्यूअर्स को सुना दें। बुरा ना मनोड़ो लोको मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा, कोई गल करे चित कन भी ना तेरे, मैनू हर वेले चेता रहिंदा टोलदा, ओ मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा, ओ मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। न्यू जनरेशन है उसको म्यूज़िक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो हालात है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री? देखिए हालात तो ऐसे ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, और जो जिसमें टैलेंट है, चाहे किसी में सिंगिंग का टैलेंट है, एक्टिंग का है, मॉडलिंग का है,
कॉमेडी का है, डांस का है, उसको ज़रूर अपने टैलेंट को जो है दुनिया के सामने लाना चाहिए। और अगर आप फिर इस फील्ड में आ गए हैं, पहले तो आप सीख के आएँ, उस पर मेहनत करें, और अगर अल्लाह ताला आपको नाम दे देता है तो उसको स्टेबल ज़रूर रखें, क्योंकि अल्लाह नाम दे देता है लेकिन लोग उसको संभालते नहीं हैं। हमेशा वही आर्टिस्ट जो है वो ग्रेट बनता है जो अपने काम से प्यार करता है, उसके लिए रियाज करता है, मेहनत करता है और अपने काम को ईजी नहीं लेता। जब आप काम को ईजी ले लेते हैं फिर काम भी आपको ईजी ले लेता है। जितनी तेज़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं उतनी तेज़ी से आप नीचे भी आते हैं। तो अगर आपको वाकई में शौक़ है गाने का या किसी भी फील्ड में आने का, तो उसको सीखें ज़रूर, आपको अलिफ बे ज़रूर आनी चाहिए उसकी, और उस पर मेहनत ज़रूर करें। आपने बहुत गाने गाए, बड़े सुपर हिट आपके गाने रहे, कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं चाहता हूँ वो भी अपने व्यूअर्स को। मुझे सबसे जो अपना गाना पसंद, वैसे तो मुझे सभी पसंद, जब तक मुझे खुद गाना पसंद नहीं आता मैं गाना नहीं गाती। तो मुझे जो सबसे प्यारा गाना लगता है अपना, वो मुझे लगता है बस वे ढोला तो अखियाँ दे कोल कोल, क्योंकि ये गाना मेरे वालिद साहब ने लिखा था, उन्होंने कंपोज़ किया था, तो वो गाना मेरे बड़ा दिल के करीब है और बड़ा उसमें जो है ना एक हार्ट टचिंग वाली फीलिंग्स हैं उसमें, तो वो गाना मैं ज़रूर सुनाती हूँ। हो बस वे ढोला तू अखियाँ दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियाँ दे कोल रो सामने, वे रो सामने चन्ना वे मुँह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियाँ दे कोल कोल। नाजरीन, आपने हमारी लॉलीवुड की लेजेंड सिंगर हमारा अर्शद से उनके खूबसूरत सॉन्ग भी सुने और उनसे चटपटी बातें भी, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से भी बातें की। अब अपने मेज़बान शजुद्दीन को इजाज़त दीजिए, आइंदा हफ्ते नए फनकार नए शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़र होंगे। खुदा हाफ़िज़।